हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दिख रहा होगा स्टेशन पे हूँ, कहीं ना कहीं जा ही रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ क्योतो घूमने के लिए। एक्चुअली मेरी जो फ्रेंड जिनके साथ मैं हमेशा घूमने के लिए जाती हूँ, सुबह सुबह फ़ोन आया, सरन प्लान बनाती है, कहती है चलो चलते हैं घूमने। शायद इस बार लगता है बदला ले रही है ना, 11 बजे का टाइम दिया था, 12 बज रही है, 12 बज चुकी है, 12 होने वाली है, अभी तक आई नहीं है। मैं स्टेशन पर वेट कर रही हूँ उनका, तो देखते हैं। क्योतो में, क्योतो काफ़ी बड़ा बहुत सुंदर प्लेस है, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, बताया नहीं है कहीं क्योतो चलते, बस इतना मुझे बोला है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ स्टेशन पे, तो देखते हैं कितनी देर में आती है। 11 बजे का टाइम देने के बाद ये मोहतरमा, जरा मुँह दिखाओ अपना सुंदर, ये आ रही है 1 बजे। और मेरा ईयरबड्स वहाँ दूसरी जगह फेंका है। तो पहले तो ना गाइस मैं ये बता दूँ, ये इंडियन है, इंडियन हुआ। इनकी शक्ल देख के मेरे वीडियो पे मेरी कुछ दोस्त बोलती हैं कि जो तू बोल रही है, वीडियो बना रही है, उसको कुछ पता नहीं लग रहा। भाई ये इंडियन है, इसको कब पता लगता है, गाली ऐसी अनफिल्टर्ड देती है ये, ब्लॉग में बस दिलवा नहीं सकती मैं। तो ये आ गई है 1 बजे, अब हमारी ट्रेन है, जस्ट हम लोग जा रहे हैं। चलो वहाँ ट्रेन, चलो भाई अब मिलते हैं क्योतो के अंदर। She didn't understand. भाई यहाँ पे ना ऐसे रोबोट्स लगे हुए हैं ना, इससे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, और ये जापनीज में बड़ी प्यारी है ये, और इससे बात कर रही है अलीना खान, और अपने जाने का पता ढूंढ रही है कि कैसे कहाँ जाना है हम लोगों ने। तो भाई बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, देखो कैसे इशारों में बात कर रही है। दीदी के पास हमारी फोटो भी आ रही है। हाय यहाँ ट्रेन में गई, शी इज फिक्सिंग माय हेयर्स, क्योंकि मेरे बाल सेट नहीं हुए, मेरे से ऐसे बिखरे बिखरे हो रहे थे, उसने बोला मैं कर देती हूँ, जैसे खुद तो बहुत सुंदर बन के आई है ना। दिखाओ अपने अपने बाल, दिखाओ अपने बाल, दिखाओ अपने जैसा मेरा बाल बना रही है, देखती हूँ मेरे को क्या बन रही। हम लोग पहुँच चुके हैं क्योतो, अभी हम लोग वॉशरूम में एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर वॉशरूम बड़े सुंदर होते हैं भाई, अभी हटना। तो गाइस अभी हैं हम लोग किन्तेत्सु, बोल रही हूँ हमेशा किन्तेत्सु पे होती हूँ ना, तो किन्तेत्सु ही जुबान पे आता है। तो अभी हम लोग क्योतो के स्टेशन पे हैं, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ से हमें बस में बैठ के मतलब चेंज करके और फिर आगे जाना है, तो देखते हैं। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं क्योतो की एक प्यारी सी सिटी में, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक्चुअली ये ना गोल्डन वीक करके एक वीक चलता है यहाँ पे, 2-3 दिन की छुट्टियाँ होती हैं सबको, और ये घूमने का ये पता नहीं है इन लोगों का सिस्टम। फिर इसमें क्या है, हम लोगों को तो वैसे छुट्टी होती नहीं है, गोल्डन वीक की नहीं होती है, पर शेड्यूल हॉलीडे तो होता ही है हम लोगों को, तो वो शेड्यूल हॉलीडे आज हम लोगों का था। देन हम लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक प्लेस पे, और सबसे पहले हम लोग कहीं खाना वाना खाने के लिए जगह ढूँढ रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है। और ये हमारा गूगल मैप, हे गूगल मैप, हे सीरी, शी इज़ माय सीरी। गाइस हम लोग जा रहे हैं यहाँ घूमने के लिए, जगह का नाम बोलो क्या, पता नहीं क्या बोल रही है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, पर भाई एक नंबर लग रही है जगह, और लड़कियाँ भी एक नंबर ही यहाँ पे, क्या मस्त है ना, जैपनीज वियर पहन पहन के सही लग रही हैं छोरियाँ। चलो आज कोई नहीं, छोरियाँ ही देख लेते हैं। आगे बंदे नहीं दिखाई दे रहे तुझे, यार बंदे दिखाई दे रहे हैं, पर ये बंदे बंदे जैसे दिखते हैं, बंदियाँ ही दिखती हैं ये बंदे भी। नहीं भाई, हाँ देख 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 क्या सही है, हाँ देखो भाई लड़का, देखो यार, देखो ये ब्लॉग में मेरे से लड़के छिड़वा रही है, मेरे घर वाले भी देखते हैं वीडियो मेरे, मतलब इंडिया 3 साल बाद जब यहाँ से वापस जाऊँगी ना, मेरे को जूते मार के बाहर निकालेंगे कि तुम निकल लें यहाँ से, तेरे कर्म नहीं है यहाँ घर में घुसने के। भाई क्या कहने, देखो लड़का छिड़वा रही है मेरे से यहाँ। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, ये पीछे से दिख रहा है यहाँ पे व्यू, और ये यहाँ पे स्टाइल मारने के लिए चली गई है, यहाँ पे सारे मुड़ मुड़ के फोटोज़ बना रहे थे हम, के पता नहीं क्या देख रहे हैं ये लोग यहाँ पे मुड़ मुड़ के ना,
फिर पता चला कि ये पीछे से व्यू इतना सुंदर आ रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे फोटोज खींच रहे हैं। तो घूमते थक गए गाइस और भूख लगी है, और से वेट नहीं हो रहा, देखो गरम गरम खा रही है। ये हम लोगों ने खाने के लिए कुछ लिया है, ये है क्योटो स्टाइल फ्राइड चिकन, क्योटो का फेमस फ्राइड चिकन, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। ये देखो दो दो के साथ खा रही है, एक से पेट नहीं भरा, मेरा भी छीन लिया ये, कहते मैं खाऊंगी, मैं कहता तू खा ले, तेरा पेट भरना चाहिए। अपन तो भैया कॉफ़ी से काम चला लेंगे। चीयर्स, चीयर्स करो, चीयर्स। कॉफ़ी पी रहे हैं अभी हम लोग, एक बढ़िया सी जगह मिली है, देखा छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, और ये है इन लोगों का मेन्यू। ये भूखों की तरह लगी पड़ी है। ये गांधी जी के तीन मंदिर बैठे हैं यहाँ पे, और ये ऐसा पूरा बड़ा सुंदर सी जगह है यहाँ पे, शायद ये विश वगैरह कुछ लिख के टांगते होते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर दिख रहा है, कलरफुल सा। आओ इधर से बाहर निकलते हैं, क्या लिखना है। ये 500 में है, इस बॉल को यहाँ से खरीदो, उस पर कुछ भी लिख के देन यहाँ पे टांग दो। सो गाइज, वो प्लेस जहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए, वो घूम के आने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने क्योटो में। ये दिख रहा होगा क्योटो स्टेशन। तो यहाँ पे ना ये स्टेशन है ना, बहुत प्यारा है ये, मतलब अंदर से ना ऐसा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा ना, लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर है यहाँ पे। तो वही हम लोग देखेंगे एक बार थोड़ा अंधेरा होए, तब तक देखते हैं कुछ, घूमते हैं फिरते हैं यहाँ पे, और सुंदर है जगह। हाँ ये दिखाती हूँ, ये टावर जैसे बहुत सुंदर दिखता है, अभी रात में लाइटिंग हो जाएगी ना तो फिर और भी अच्छा दिखेगा। और मैं यहाँ से दिखाती हूँ हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वेट, वो ऊपर वहाँ एकदम ऊपर पे जाएंगे हम लोग, पूरा जाने का वहाँ पे अंदर से रास्ता है, और ये ऐसे जगह जगह पे यहाँ पे ना ये स्मोकिंग एरियाज बने हुए हैं। ये स्मोकिंग एरिया, ये तो जापान का रूल है, यहाँ पे स्मोकिंग एरिया, डायपर चेंज एरिया सब कुछ बना हुआ है, मतलब जगह जगह पे लोग सुट्टा नहीं मारते होते, सब ऐसा फिक्स जगह है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल, क्या नाम है, ग्रैनिया होटल क्योटो। अब ये क्योटो की गलियाँ हैं, क्योटो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। अभी हैं हम लोग गाइस क्योटो के स्टेशन पे, ये मतलब, और ये बहुत बड़ा स्टेशन है, हम लोग इतना ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे, ये स्काई गार्डन करके ये प्लेस है, और बहुत ऊपर है। नीचे यहाँ से दिख रहा है कुछ, दिखाने का कोशिश करती हूँ, वो बहुत नीचे है ये देखो, और ये स्काई है, मतलब स्काई गार्डन है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ से पूरा शहर दिखेगा भाई, खतरनाक जगह। यहाँ पे मैं एक बार और आई थी लास्ट टाइम, कुछ काम आई थी मैं यहाँ पे, सिर्फ अकेले आई थी, और रात बहुत हो गई थी, वो सर्दी का टाइम था तो अंधेरा जल्दी हो गया था, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा रुकी नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह भी ज़्यादा नहीं खींचे। ओ भाई पूरा जापान दिख रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारा। इतने ऊंचे पे आए हुए हैं हम लोग, 10 फ्लोर ऊपर है ना ये, ऊपर 11 लिखा था, यहाँ पे 10 लिखा है, तो 11 फ्लोर ऊपर आए थे हम लोग। बहुत मस्त व्यू, अभी ये सिटी में ना लाइट चलेगी रात में, थोड़ा अंधेरा होने पर, ठीक है। अभी हम यहाँ बैठ के पंचायत करेंगे। एक वॉशरूम देखो यहाँ पे, इतना सुंदर सुंदर वॉशरूम बनाया हुआ है। इट्स मी, ये बीच में आने का इसको शौक, इधर है वॉशरूम और इधर ऐसा मिरर वगैरह रेडी होने के लिए लगाया हुआ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया देख के। सी गाइस, ये यहाँ की स्पेशलिटी है, ये स्टेयर्स थी थोड़ी देर पहले, अभी भी दिख ही रही होंगी सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पे पूरी लाइटिंग हो गई है, और बढ़िया बढ़िया, मतलब चेंज होता रहता है ये लाइटिंग्स ना, नॉर्मल लाइटिंग नहीं, यहाँ पे नीचे वाला तो नॉर्मल लाइटिंग दिख रहा है, ये ऐसे सेकंड्स में चेंज होती है, ऊपर कुछ आ गया, अभी यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और बहुत सुंदर व्यू है, मतलब ये वहाँ हम लोग ऊपर गए थे, और ये पूरा भीड़ भाड़ वाले लोग ये सारे इसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं, और हम लोग भी एक्चुअली इसी को कैप्चर करने के लिए इतने देर से रुके हुए थे, 2 घंटे हम लोगों ने वहाँ सीढ़ियों पर बैठ के बिताए, क्योंकि अंधेरा हो हम लोग ये देखें मेन, क्योटो का लाइक ये मेन है, क्योटो एक ये बंद हो गई हैं लाइट्स, अभी 2 मिनट में फिर, मतलब 2 मिनट नहीं, शायद विद इन फ्यू सेकेंड्स ये फिर से जलेंगी, और कुछ डिफरेंट लेके आएंगी ये इस बार।
अभी यहाँ पे नॉर्मल लाइटिंग है तो ये लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितना मस्त व्यू आ रहा है, ये एक नंबर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इधर से शायद पूरा शहर दिख रहा है, मैं जाके चेक करके आती हूँ। यहाँ से व्यू दिख रहा है, ये उधर रेलवे स्टेशन है, जो सिटी से नीचे जाके। चलो इधर तो जाके क्या ही करना है, इधर भी कुछ है लिखा हुआ है, इधर भी शायद ऐसे नॉर्मली बैठ के फोटोज़ वोटोज़, बाहर का व्यू देखने के लिए। ये कुछ खास नहीं है, ये कलरफुल लाइटिंग्स हो रही हैं भाई, ऑसम। वाओ सी, ये एक टावर नीचे से दिख रहा था, इसका भी कोई नाम है ना, पता नहीं है इसका, इसका नाम है उधर नीचे भी लिखा, हाँ देखो वो लिखा है क्योटो टावर होटल नाम लिखा है वहाँ पे। और ये बढ़िया व्यू है, एकदम शानदार। ये फोटो ले रही है, हाँ लाइटिंग, लाइटिंग, ओ हाँ लाइटिंग भी हो रही है ऊपर, या दिख रहे हैं आपको, या ओह ओए वहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, देयर इज अ पी, ओ माय गॉड, ओ भाई देखो देखो देखो, नीचे आ जाओ प्लीज, कूद कूदना मत, प्लीज कूदना मत। बहुत प्यारा व्यू है भाई, बहुत प्यारा। अभी हम लोग हैं नारा की ट्रेन में, चलने वाली है बस, और जगह है नहीं बैठने के लिए, खड़ी है इनके सामने मैं खड़ी हूँ, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे। सो भैया फाइनली हम लोग आ गए हैं किंतित्सु नारा स्टेशन, अब हम जा रहे हैं, दिखाऊंगी बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी, ऑल टाइम फेवरेट हमारा प्लेस खाने के लिए। और मैंने इन मैडम को मना लिया है आज घर पे रुकने के लिए, तो कल सुबह 10 बजे इनका जॉब, तो आज ये मेरे घर पे रुकेंगी बस। अबे रो 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 रो, डर लग रहा है। ओ वी आर हियर गाइस, कहाँ हैं हम लोग ज़रा बताओ तो, कहाँ हैं हम लोग, ऑल टाइम फेवरेट हमारा, क्योंकि भाई इसका राज बताऊँ यहाँ पे आने का, अच्छा खाना सस्ते में मिलता है है ना, यही रीज़न है आने का, यही रीज़न है आने का। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या ऑर्डर करना है। तो गाइस वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये हमारा कोक, ये हमारा कैपेचिनो, और ये इनका ग्रेप्स जूस जो पानी जैसा लग रहा है। इसका फ़ोन में ध्यान है, पता नहीं इसको फ़ोन में इतना क्या दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा, सामने बैठी हूँ बात भी नहीं कर रही है फ़ोन में, फ़ोन में रब दिख रहा है इनको, हे भगवान पृथ्वी संकट में है प्रभु। ये मेरा कोक है भाई, तो वो नागिन जहर मत मिला दियो, मैं झूठा नागिन जहर मत मिला दियो, कहीं मैं झूठा खा के मर जाऊँ। फाइनली गाइस आ गया है हमारा खाना, ये हमारा कॉर्न पिज़्ज़ा, और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, इजली डिश का पता नहीं इसका क्या नाम है, पर हम हर बार यही मगा के खाते हैं, फिर भी इसका नाम नहीं पता हमारे को, हमारी फेवरेट है ये, क्या था ये बदतमीजी, इसने मेरी चम्मच गिरा दी हमारी, स्पून नीचे गिरा दी थी उसको, ठंड लगी थी, पूरी शिद्दत से पिज़्ज़ा कट कर रही है। एट द एंड ये है हमारा स्वीट डिश, पता नहीं इन्होंने ऑर्डर किया, पता नहीं क्या है ये, देख के बताती हूँ, खा के बताती हूँ कैसा होगा, क्या खा के दिखाना जरा, और मिड डे मूवी दिखाओ, नहीं तो टेस्ट तो आप ही करोगे, पता चला जहर वहर मिलवा के मंगा लिया हो, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगी, खा सकती हूँ, रिस्क नहीं है, ओके। ये मर गए। तो गाइस खाना खाने के बाद हम लोग निकले हैं वापस अपने घर जाने के लिए, तो अभी तक ये ऐसा वो इसमें कंफ्यूजन में है कि मैं अपने घर वापस जाऊँ कि नया घर रुकने जाऊँ, क्योंकि इसको सुबह उठने में बहुत मौत आती है, सोच रहे हो अभी तो, क्या सोच रही हो, नहीं फाइनल डिसीजन है ना मेरे घर जाने का, है ना, नहीं मैं स्टेशन में सोऊंगी यार फिर भी उठना तो सुबह जाके, ट्रेन में तो बैठना पड़ेगा ना सुबह उठ के तो हम लोगों का खाना खत्म हो गया है, और फाइनली अभी हम लोग अपने घर जा रहे हैं, मेरे घर पे रुकेंगे आज, मतलब ये भी,
और बाय बाय गाइस, गुड नाइट। या अभी का व्लॉग इधर ही ख़त्म करूँगी मैं, यस रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, किसी को मेरी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ओए से बाय।